मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ मां के दरबार पहुंचे। अष्टभुजा स्थित हेलीपैड पर उनका स्वागत मिर्जापुर सदर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने किया। विधि विधान के अनुसार मां विंध्यवासिनी का मुख्यमंत्री ने दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मां के दरबार आया हूं, कई बार अर्जी लगाई लेकिन इस बार मां ने सुना और मुझे दर्शन देने के लिए बुला लिया। मैं मां से यही प्रार्थना करूंगा कि देश प्रदेश जनता जनार्दन पर मां की कृपा बनी रहे, देश में सुख शांति बनी रहे। यहां पहुंचने पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मां की तस्वीर देकर उनका सरकार की तरफ से स्वागत किया। माँ के दर्शन का सौभाग्य मिला है, पहली बार माँ के दर्शन करने आया हूँ। माँ ने बुलाया है, कई बार सोचा आ नहीं पाया। माँ से यही प्रार्थना है कि हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, जनता जनार्दन पर, सब पर कृपा की वर्षा करें।